हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 30 आई ड्रॉप्स के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहली जो आई ड्रॉप्स है वो है आईटोन आई ड्रॉप्स। इसके अंदर जो है 20 तरह के जड़ी बूटियाँ जो है शामिल किया गया है, यानी 20 तरह के जड़ी बूटियों से यह तैयार किया गया आई ड्रॉप्स है और ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स है। इसका इस्तेमाल जो है आई ड्राइनेस के इलाज में किया जाता है, आई के सूखेपन को ठीक करने के लिए, आंखों में इरिटेशन हो रहा हो, पिंक आईज की प्रॉब्लम हो, या पलकों में सूजन हो, आंखों में तनाव हो, आंखें लाल हो गया हो, आंखों से पानी आ रहा हो, इन सभी कंडीशन में जो है आईटोन आई ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। दूसरी जो ड्रॉप्स है वो है मॉक्सी सिप आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है मॉक्सी फ्लोक्सासिन मिल जाएगा। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक जो है ड्रॉप्स है। इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, यानी आंखों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई जख्म हो गया हो, उसके कारण चोट लग गया हो, उसके कारण अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है मॉक्सी सिप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। या आँखों में जो पस जैसा जो है पड़ रहा हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं आँख आना, आँखें लाल हो गया हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, आँखों में खुजली हो रहा हो, उन सभी को ठीक करता है ये मॉक्सी सिप आई ड्रॉप्स। अगली जो ड्रॉप्स है वो है फ्लोजेन आई ड्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर जो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल भी जो है ड्राई आइज के इलाज में किया जाता है, आंखों के सूखेपन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये एयर हवा के कारण या धूप के कारण, सूर्य में रहने के कारण, सनलाइट में रहने के कारण, या हीटिंग या कंप्यूटर के ज़्यादा यूज करने से, या कुछ मेडिसिन के यूज करने से जो है आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सभी को ठीक करता है ये फ्लोजेन आई ड्रॉप्स। इसके अलावा ये जो है, ये ड्रॉप्स जो है नेचुरल आंसू भी बनाता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है लूबी मोइस्ट आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है आपको सोडियम हाइलुरोनेट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है, यह एक प्रकार का जो है लुब्रिकेंट है, तो इसका इस्तेमाल भी जो है ड्राई आइज के लिए किया जाता है। आँखों में सूखेपन हो गया हो, आँखों में जलन हो रहा हो, ठीक है, उसमें इचिंग हो रहा हो, उन सभी को यह ठीक करता है। इसके अलावा ये जो है नेचुरल आंसू भी पैदा करने में मदद करता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है आई मिस्ट ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल भी जो है ड्राई आइज के इलाज में किया जाता है। आंखों में सूखेपन आ गया हो, या नेचुरल आंसू भी बनाता है, ठीक है, ड्राई आइज के कारण अगर आंखें लाल हो गया हो, उसमें दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो, उसको भी यह ठीक करता है आई मिस्ट ड्रॉप्स। अगली जो ड्रॉप्स है वो है मिसोप्ट आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है डोरजोलामाइड और टीमोलोल मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है ग्लूकोमा के इलाज में किया जाता है। ग्लूकोमा जो है जिसके अंदर जो है, जिसमें व्यक्ति के सीवियर पेन होता है, आँखों में आँखें लाल हो गया होता है और रोशनी कम होने लगती है आँखों की, ठीक है, तो उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है और रोशनी, आंखों की जो नज़दीकियां है वो भी बंद हो जाती है धीरे धीरे, तो इन सभी को ये ठीक करता है ये मिसोप्ट आई ड्रॉप्स। इसके अलावा आंखों के हाइपरटेंशन के इलाज में भी, आंखों के तनाव को ठीक करता है, आंखों में सूजन हो उसको भी ठीक करता है ये मिसोप्ट आई ड्रॉप्स। अगली जो ड्रॉप्स है वो है आयोटीम ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है टीमोलोल मिल जाएगा, टीमोलोल मेलिएट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है आँखों के हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। आँखों के हाई ब्लड प्रेशर का मतलब आँखों में जो है हाइपरटेंशन हो, तनाव हो रहा हो, उसके इलाज में जो है आयोटीम ड्रॉप्स का इलाज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, और ग्लूकोमा के इलाज में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है कैप्टा आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है अलकैप्टा डिन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है आई एलर्जी के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। आँखों में एलर्जी हो गया हो, आँखों लाल हो गया हो, आँखों में सूजन हो गया हो, आँखों में खुजली हो रहा हो, ठीक है, उन सभी को ये कैप्टा आई ड्रॉप्स जो है ठीक करता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है आयोबेट
आयोबेट आई ड्रॉप्स जिसके अंदर जो है बिटाक्सोलोल मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल जो है आई के अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तनाव हो रहा हो आई में, आँखों में तनाव हो रहा हो, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, उसके इलाज में जो है आयोबेट आई ड्रॉप्स का इलाज इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है FBN आई ड्रॉप्स जिसके अंदर जो है फ्लोरबीप्रोफेन मिल जाएगा, जो कि पेन किलर के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है दर्द, आंखों में दर्द हो तो उस दर्द को ठीक करने के लिए जो है फ्लोरबीप्रोफेन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो दर्द हो, यानी आंखों के ऑपरेशन के बाद उसमें दर्द हो रहा हो, उसमें सूजन हो, उसमें रेडनेस आ गया हो, उन सभी को ये ठीक करता है FBN आई ड्रॉप्स। अगली जो ड्रॉप्स है वो है मेगा ब्रोम आई ड्रॉप्स जिसके अंदर जो है ब्रोम फिनेक मिल जाएगा, ये भी जो है पेन किलर का काम करता है। आंखों का दर्द हो, आंखों में सूजन हो, ऑपरेशन के बाद दर्द या सूजन हो, आंखों के ऑपरेशन के बाद जो दर्द और सूजन होता है तो उसके इलाज में जो है मेगा ब्रोम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है ट्रेवो प्योर आई ड्रॉप्स जिसके अंदर जो है ट्रेवो प्रोस्ट मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल जो है आँखों के तनाव और ग्लूकोमा के इलाज में किया जाता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है हिमालय का अफ्ता केयर आई ड्रॉप्स जिसका इस्तेमाल जो है आई इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। आँखों में इन्फेक्शन हो गया हो चोट लगने के कारण, ठीक है, कोई इंजरी होने के कारण जो है आँखों में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आँखों में पस जैसा पड़ गया हो, पलकों में सूजन आ गया हो, या ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो, उसमें जलन हो रहा हो, आँखों में तनाव हो, सूजन हो गया हो या रेडनेस हो, ठीक है, तो उन सभी को ये ठीक करता है ओफ्ता केयर। इसके अलावा ये आँखों की दृष्टि को भी सुधार करता है, आँखों की रोशनी को भी सुधार करने में मदद करता है ओफ्ता केयर ड्रॉप्स। अगली जो ड्रॉप्स है वो है प्रोफेनिक, ठीक है, इसके अंदर जो है डाइक्लोफेनेक मिल जाएगा, ये भी जो है पेन किलर और जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो कि आँखों में दर्द हो रहा हो, सर्जरी ऑपरेशन के बाद आँखों का दर्द हो, या चोट लगने के कारण आँखों में दर्द हो रहा हो, या सूजन आ गया हो, इन्फ्लामेशन आ गया हो, स्वेलिंग आ गया हो, उसको ठीक करता है ये प्रोफेन आई ड्रॉप्स। अगली जो ड्रॉप्स है वो है टोबाफ्लाम आई ड्रॉप्स, ये टोबाफ्लाम में जो है आपको लोटे प्रेनडोल मिल जाएगा, और इसके अंदर लोटे प्रेडोल एटा बोनेट मिल जाएगा और टोब्रामाइसिन मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जो है आई इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। आँखों में इन्फेक्शन हो गया, उसमें सूजन आ गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आँखें लाल हो गया हो, आँखों में खुजली हो रहा हो, ठीक है, या आँखों में सूजन हो गया, उन सभी को ठीक करता है ये टोबाफ्लाम आई ड्रॉप। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है रिफ्रेश टीयर्स जिसके अंदर जो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल जो है आई ड्राइनेस के इलाज में किया जाता है। आँखों में सूखापन हो गया हो, आँखों में इरिटेशन हो, जलन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, चुभन सा महसूस हो रहा हो, या लंबे टाइम तक कंप्यूटर या फ़ोन चलाने पर आँखों में जलन हो या ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, उन सभी कंडीशन में जो है रिफ्रेश टीयर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप्स जिसका इस्तेमाल जो है मोतियाबिंद के इलाज में किया जाता है। मोतियाबिंद हो गया हो, या जो है ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, या बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो, या लो विजन की प्रॉब्लम हो, आँखों में धूल पड़ जाता हो, तो उसको भी निकालने में ये मदद करता है। आँखों के धूल को निकालने में मदद करता है, आंखों को ठंडक पहुंचाता है ये दृष्टि आई ड्रॉप। और अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है कैटरेस्ट आई ड्रॉप्स जिसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल जो है मोतियाबिंद के इलाज में किया जाता है। मोतियाबिंद को रोकता है, मोतियाबिंद होने से रोकता है, क्योंकि देखिए इसका नाम है कैटरेस्ट और मोतियाबिंद को बोलते हैं कैटरैक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नाम से ही लग रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है मोतियाबिंद की बीमारी में किया जाता है, या मोतियाबिंद को रोकने के लिए किया जाता है, या आँखों के ये लेंस को भी ठीक रखता है। इसका यूज आँखों के तनाव को, या डायबिटीज
या ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डायबिटीज या ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसके सर्जरी की आवश्यकता हो, तो उस समय जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की जब सर्जरी होता है डायबिटीज के पेशेंट में, या ब्लीडिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी आंखों की सर्जरी होता है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है कैटारिस्ट आई ड्रॉप्स का। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है आइसोटाइन आई ड्रॉप्स, जिसका इस्तेमाल जो है मोतियाबिंद के इलाज में किया जाता है या मोतियाबिंद को रोकने के लिए किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल जो है आई इन्फेक्शन, आँखों में सूजन हो गया हो, घाव हो गया हो, चोट लग गया हो, ठीक है, कोई इंजरी हो गया हो, आँखों से पानी आ रहा हो, खुजली हो रहा हो, उन सभी कंडीशन में आइसोटाइन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो ड्रॉप्स है वो है ब्राइमोडीड आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है ब्राइमोनिडीन टार्ट्रेट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है आँखों के तनाव को ठीक करने के लिए, ग्लूकोमा, आँखों में सूजन हो गया हो, ठीक है, उस सभी को, या पलकों में सूजन हो गया उसको ठीक करने के लिए ब्राइमोडीड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है जोकोन आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है फ्लूकोनाजोल मिल जाएगा, एक प्रकार के एंटी फंगल ड्रग्स है। तो इसका इस्तेमाल जो है आई फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। आँखों में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण इचिंग हो रहा हो, रेडनेस हो गया हो, ठीक है, तो उन सभी को ये ठीक करता है जोकोन आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है कीटोफोर्ड आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है किट्रोलोक मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। आँखों में दर्द हो रहा हो, आँखों में कोई इंजरी हो गया हो, ट्रामेटिक इंजरी हो गया हो, आँखों में चोट लगने के कारण जो है उसमें जख्म हो गया, उसके कारण पेन हो रहा हो, या आँखों की सर्जरी हो गया उसके कारण दर्द हो रहा हो, उसमें सूजन आ गया हो, उन सूजन और दर्द को ठीक करता है कीटोफोर्ड आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है साइक्लोम्यून आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है आपको साइक्लोस्पोरिन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है ड्राई आईज के इलाज में किया जाता है, ठीक है, आँखों के सूखेपन को ठीक करता है, नेचुरल आंसू पैदा करता है, धूल कण या अन्य कणों को हटाने में भी मदद करता है। आँखों में धूल कण चला जाए उसको भी ये बाहर निकालने में मदद करता है। आँखों के चोट और आँखों के इन्फेक्शन से भी बचाता है साइक्लोम्यून आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है मोक्सी मैक्स डी आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन मिल जाएगा। इसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और डेक्सामेथासोन जो है एक प्रकार का स्टेरॉइड है। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन क्या करता है, आँखों में जो इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसको ठीक करता है, और डेक्सामेथासोन जो सूजन हो, रेडनेस हो, इचिंग हो रहा हो, उसको ठीक करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है आँखों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। आँखों में सूजन आ गया हो, ठीक है, आँखों में रेडनेस आ गया हो, जलन हो रहा हो, खुजली हो रहा हो, पिंक आइज की प्रॉब्लम हो, ठीक है, उन सभी कंडीशन में जो है मोक्सी मैक्स डी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है महाफ्लॉक्स केटी आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है किट्रोलैक और मोक्सीफ्लोक्सासिन मिल जाएगा। देखिए किट्रोलैक जो है एक प्रकार का क्या है, पेन किलर ड्रग है, और इसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। तो इसका इस्तेमाल जो है एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, या इन्फेक्शन कारण आँखों में दर्द हो रहा हो, या कोई चोट लग गया हो, ठीक है, कोई इंजरी होने के, आँखों में चोट लगने के कारण उसमें सूजन आ गया हो, तो सूजन के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करेगा, उसमें दर्द हो रहा हो उसको भी ठीक करेगा, ठीक है, और पिंक आइज की प्रॉब्लम हो उसमें भी ये काम करता है, इरिटेशन हो उसमें भी ये काम कर देगा महाफ्लॉक्स केटी आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है आईटी रोप प्लस आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है फेनाइल लेफ्रिन और टोपिकेमाइड मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है आई जो है एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। आई एग्जामिनेशन मतलब आँखों के बीमारी का पता लगाने के लिए आँखों के जब जांच होता है, तो उस कंडीशन में जो है ये आईटी रॉप प्लस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यह आँखों की पुतली के साइज को भी बढ़ा देता है आई ड्रॉप प्लस आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है गैटी क्वीन पी
आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है गेटी फ्लोक्सासिन और प्रेडनी सोलोन मिल जाएगा। गेटी फ्लोक्सासिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और प्रेडनी सोलोन एक प्रकार का एस्ट्रॉयड है। तो इसका इस्तेमाल देख सकते हैं कि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करेगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो उसमें सूजन आ गया हो, ठीक है, चाहे इंजरी के कारण सूजन हो, रेडनेस हो, खुजली हो रहा हो, लाल हो गया हो आँखें, उन सभी को ठीक करता है। तो आँखों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेगा, आँखों में सूजन हो गया हो, लाल हो गया हो, खुजली हो रहा हो, उन सभी को ठीक करेगा ये गैटीक्विन पी आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो सिप्लोक्स आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है आई के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। आँखों में रेडनेस आ गया हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, आँखों में खुजली हो रहा हो, ठीक है, आंखें लाल हो गया हो, उन सभी को ठीक करता है सिप्लोक्स आई ड्रॉप्स। अगली जो आई ड्रॉप्स है वो है सिप्लोक्स डी आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन मिल जाएगा। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, डेक्सामेथासोन एक प्रकार का स्टेरॉइड है। तो इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। इन्फेक्शन के कारण आंखें लाल हो गया हो, सूजन हो, खुजली हो, उन सभी को ठीक करता है यह डेक्सामेथासोन और सॉरी सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन की आई ड्रॉप्स, जो कि सिप्लोक्स डी आई ड्रॉप्स है। अगली जो 30 नंबर आई ड्रॉप्स है लास्ट, वो है पायरीमोन डीएफ ड्रॉप्स, जिसके अंदर जो है मॉक्सीफ्लोक्सासिन और प्रेडनेट मिल जाएगा। प्रेडनेट मिल जाएगा, जिसमें जो इसके अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, और जो ये प्रेडनेट है ये एक प्रकार के स्टेरॉइड है। तो इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आँखों में दर्द हो, सूजन हो, रेडनेस आ गया हो, खुजली हो, आँखों से पानी आ रहा हो, ठीक है, इरिटेशन हो रहा, उन सभी को ठीक करता है पायरीमोन जो है डीएफ ड्रॉप्स। ये बहुत ही पुरानी ड्रॉप्स है और बहुत ही अच्छी ड्रॉप्स है, इसका डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये था भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 30 आई ड्रॉप्स। इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा मैं, अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ इसका आगे वाला पार्ट भी आई ड्रॉप्स पे बनाइए, तो आगे का पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है हो सकता है कि इसके बाद जो है आपको शोल्डर पेन का इलाज के जो है वीडियो आए, मतलब जो है कंधे में दर्द क्यों होता है, इसका भी जो है बहुत जल्द इसके बाद उसी का मतलब वीडियो आने वाला है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए क्या इसका अगला पार्ट भी लाऊं, और प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक ज़रूर करिए।